जहन दोस्तों, शाम की चार बड़ी खबरें। सबसे पहले कल है एक्स सर्विसमैन के लिए मेला, जॉब का मौका कल है दोस्तों। आज पीआईबी में इंफॉर्मेशन निकली है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, दिल्ली के आसपास के लोग हैं जरूर संपर्क करें। और असली मिलिट्री सर्विस पे का हकदार कौन, आखिर देखिए वीडियो कैसे महिला कर रही है, कैसे लोग कह रहे हैं कि आर्मी नहीं ये भगवान है। अच्छी तरह से हम लोगों को पार करवाए, यानी ये देवदूत हैं जो कि जिंदगियां बचा रहे हैं। और मैं बात करूंगा, कल है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून, उसकी फौज में कैसी है तैयारी। और एक ऐसी महिला नेता, केंद्रीय मंत्री, जिसको हिंदी के दो शब्द लिखने नहीं आती, और वो है बाल विकास मंत्रालय की मंत्री। ये है देश, और ये देश के कैसे लोगों को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं और हम उनके नीचे तलवे घिस रहे हैं। जरा खबर करते हुए साथ से, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, शेयर करना। DGR टू होल्ड एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडौन ऑन 21 जून, यानी कल है। DGR डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए मेला, 3 एक्स सर्विसमैन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। अब दोस्तों, ये पीआईबी अभी निकला है दोपहर में 20 तारीख को, आज शाम को आपके पास जा रही, शेयर जरूर कर देना प्लीज। मैं कह रहा हूं, डायरेक्टरेट जनरल रीशटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑर्गेनाइज ऑन एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर इन स्टेशन ऑडिटोरियम एयरफोर्स स्टेशन हिंडौन, गाजियाबाद के पास है उत्तर प्रदेश, 21 तारीख कल। द जॉब फेयर एम कनेक्ट वेटरन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफर सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू एक्स सर्विसमैन, द वेटरन ऑफ ट्राई सर्विस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द जॉब फेयर, यानी पूरे देश का कोई भी एक्स सर्विसमैन तीनों सेनाओं में से आ सकता है। अराउंड 40 कंपनियां, अराउंड 40 कॉरपोरेट आर एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन द फेयर, ऑफरिंग वेरियस जॉब सच एस फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, डैक्स, इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क है वेटरन्स के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एक्स सर्विसमैन विल टेक प्लेस एट मॉर्निंग 7 बजे से कल रजिस्ट्रेशन है, और उसके साथ आपको फोटोग्राफ अपनी एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, 5 कॉपी ले जाना है, लेटेस्ट आपका CV या बायोडाटा अपना लेके जाना है फोटोग्राफ के साथ। एक्स सर्विसमैन जॉब सीकर्स गेन एक्सेस टू मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी, एसएल फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी अपने डॉक्यूमेंट लेके चले जाना सारे। फॉर फर्दर क्वेरीज एस असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन कैन कॉन्टैक्ट वारंट अफसर है, एक सुविधा रैंक के हैं SK सिंह, उनका नंबर है जरा सुनो 9311720898 9311720898, और जूनियर वारंट अफसर है मोहनता करके 7030595754, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। वेन्यू शेन्यू सारा लिखा हुआ है, क्या क्या चीज है ज्वाइंट डायरेक्टर, और ये भी PDF है, आप इससे हम PDF ले सकते हो, इसमें पूरा डाटा लिखा है, कई कंपनी आ रही हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्होंने कहा है, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट बायोडाटा विद फोटोग्राफ, बेनिफिट फॉर एक्स सर्विसमैन जॉब सीकर्स और ज्वाइंट। ये मैंने आपको नंबर दे दिया, सारा कुछ दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं इसके रिगार्डिंग जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम में करीब 1200 पर्यटन फंसे थे, और वहां पर उनको कैसे बचा रहे हैं आप समझ सकते हो, फ्लड जैसी सिचुएशन है, कंधे पे ले जा रहे हैं, नाले पे लकड़ियों का ब्रिज लगा के उनको सेफ जगह पे ले जा रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, व्हेन यू आर स्टक इन द माउंटेन्स एंड रिमेम्बर इज गॉड, आर्मी कम सून, यदि आप कहीं फंस जाते हो तो भगवान को याद करोगे तो भगवान आपको आर्मी भेजता है, और आर्मी आ गई तो 100% आप बच्चे सुरक्षित हो दोस्तों। कितनी चीजें, और इसके संबंध में ये न्यूज और वीडियो आप जरूर शेयर करना। इनको कहते हैं मिलिट्री सर्विस पे ये होती है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि नहीं, जमीन पर हम काम करते हैं, जान को खतरे में डाल के जान बचाते हैं, और ये काम हम ही कर सकते हैं, और देश में कोई ऐसी संस्था नहीं जो ये काम कर सके, इसलिए हकदार हैं हम, और इस बात को मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कल कहा कि कल योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, बिल्कुल हमारे मन की सेहत और तन की सेहत के लिए मैं बहुत फेवरेट हूं, सेना में खूब कराया है और किया है, और इसकी एक झलक है, आप देख सकते हो कि सेना किस तरह तैयारी कर रही है, वेस्टर्न कमांड की है चाहे नॉर्दर्न कमांड की है,
और कल पूरे विश्व में योग होगा, देश में हर जगह योग होगा, और आप भी योग करिए, स्वस्थ रहिए। अब मैं बात करूंगा, एक मोहतरमा है और धार जिले में एक आयोजित प्रोग्राम था तीमसी प्रवोत्सव कार्यक्रम, और एक रथ को झंडा दिखा के उन्होंने करना था, रथ के ऊपर बोर्ड लगा था, उन्होंने उस पर लिखना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों को बचाओ भ्रूण हत्या के अगेंस्ट, और बेटी पढ़ाओ शादी मत जल्दी करो, ये स्लोगन लिखना था उन्होंने, सिर्फ एक स्लोगन लिखना था हिंदी में। लेकिन ये सावित्री ठाकुर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के में, और ये चर्चा का विषय बनी है, बहुत भयंकर बुरी तरीके से लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। तो इनसे क्या नहीं लिखा गया आप बताओ, ये दो शब्द लिखे नहीं गए, ये स्लोगन हिंदी में नहीं लिखा गया, जबकि इन्होंने अपना एफिडेविट दिया है 12th पास है। तो दोस्तों सवाल होता है, हम भी फौजी हैं, सब जगह कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, करेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और इनके पीछे बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे होंगे, इनकी आरतियां उतार रहे होंगे, क्या क्वालिटी है भाई, क्या क्वालिटी हो सकती है? महिलाएं मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को हम चुनते रहेंगे? क्या हमारे ये देश में कहीं ना कहीं दो बात कहनी है, आपकी बात रखनी है, और मंत्रालय बाल विकास मंत्रालय, क्या ये हमारे सबके लिए शर्म की बात नहीं है? यह सोचने की बात है, शर्म की बात छोड़ो, इससे भी महागुरु मैंने, सोचने की बात है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, क्या जाति या इसी धर्म परम इनके नाम पे दे रहे हैं कि हम क्वालिटी भी ला सकते हैं? हम क्वालिटी जब तक हम खुद नहीं जगेंगे तो ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे, और आईएएस यूपीएससी करके इनके नीचे ड्राफ्टिंग करते रहेंगे। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, और ये जो PIB जरूर शेयर करना, धन्यवाद। यहाँ में जाके इस तरीके से और बॉडी को पूरा नीचे